हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स के ऐसे पांच फंड्स देखेंगे जिन्होंने पिछले एक साल में बेस्ट परफॉर्म किया है, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स आए हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी आप कोई फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने फाइनेंशियल गोल्स, टाइम होराइजन और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही आप फंड सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, एक क्वेरी भी थी कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स के बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स पे एक वीडियो बनाई जाए हमारे एक व्यूअर की, तो ये वीडियो डेडिकेटेड उनके लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ नंबर पे है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 में। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। दोस्तों, मिड कैप फंड्स वो होते हैं जो इंडिया की 101st से लेके 250th कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं मेजॉरिटी अपना पैसा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.82% का एक्सपेंस रेशियो है, यानी इतनी फीस आपसे चार्ज की जाएगी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। लास्ट वन ईयर में इसने 60.7% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, 60% का रिटर्न बना के दिया है इसने एक साल में, और तीन साल में इसने रिटर्न बना के दिया है लमसम कैटेगरी में 30% का, और पांच साल के पीरियड में 27% की रिटर्न जनरेट करके दिया है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने। फोर्थ नंबर पे हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड। ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। ये वैल्यू कैटेगरी का फंड है दोस्तों। वैल्यू कैटेगरी मतलब जो अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है फंड मैनेजर, उस टाइप का फंड है ये। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.14% का है। लास्ट वन ईयर में 61.09% का रिटर्न जनरेट किया है इसने। तीन साल के ड्यूरेशन में 27.22% का रिटर्न बनाया है, और पांच साल के होराइजन में 23.29% का रिटर्न जनरेट किया है इसने। और थर्ड नंबर पे है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये फंड स्टार्ट हुआ था 16 अक्टूबर 2020 में। दोस्तों, ये एक इंडेक्स फंड है जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के में इन्वेस्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.35% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। वन ईयर में रिटर्न इसने बनाया 62.6% का। दोस्तों, बहुत ही कमाल का रिटर्न बना के दिया है इसने। तीन साल में रिटर्न इसने जनरेट किया है 26% का। पांच साल के ड्यूरेशन में इसका रिटर्न अपने पास है नहीं, क्योंकि पांच साल पुराना ये फंड है नहीं। सेकंड नंबर पे है निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20 फंड ऑफ फंड। दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 28 फरवरी 2019 में। ये एक फंड ऑफ फंड है जो डोमेस्टिक इक्विटी निफ्टी के जो नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं, 51st से लेके 100th कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करता है। एक्सपेंस रेशियो है 0.09% का। वन ईयर में रिटर्न बना के दिया 69.45% का दोस्तों, और तीन साल में रिटर्न बना है 23% का इसमें, और फाइव ईयर्स में इसने रिटर्न बना के दिया है 20% का। फर्स्ट नंबर पे है निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड। दोस्तों, ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 में। ये एक सेक्टोरियल फंड है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो है 1.18% और एक साल का रिटर्न बना है 88.52% का इसमें। तीन साल में 40.18% का रिटर्न, और पांच साल के लमसम के रिटर्न्स है 28.74% के इसमें। तो फ्रेंड्स, ये थे पांच फंड्स निप्पॉन म्यूचुअल फंड के जिन्होंने पिछले एक साल में बेस्ट परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।